हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस पीजीटी एग्जाम्स में आ रखे हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो टर्नर सिंड्रोम जो है उसमें क्रोमोसोम्स जो है वो 45 रह जाते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो रिमूव हो जाता है। तो 45 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं टर्नर सिंड्रोम में। नेक्स्ट है, कला गहन में भरा हुआ तरल कहलाता है, यानी जो लेब्रिंथ है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, उसमें जो फ्लूड रहता है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम एंडोलिम्फ कहते हैं और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, धंसे हुए रंध्र यानी संकन स्टोमेटा जो है वो किस में पाए जाते हैं? तो वो मरुद्भिद यानी ज़ीरोफाइट्स में पाए जाते हैं, क्योंकि एक तो पानी की पहले से ही कमी रहती है, तो स्टोमेटा अगर ऊपर रहेंगे लीफ में तो ट्रांसपिरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। तो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए यानी वाटर लॉस जो है उसको कम करने के लिए स्टोमेटा जो है वो धंसे हुए रहते हैं। नेक्स्ट है, यूफोर्बिया हिरोसिटा में पुष्पक्रम होता है, यानी इनफ्लोरोसेंस जो है यूफोर्बिया में वो कैसा होता है? तो ये साइथियम टाइप का होता है। नेक्स्ट है, बैलेनोग्लॉसिस का लार्वा होता है, तो बैलेनोग्लॉसिस का लार्वा जो है वो टॉर्नेरिया लार्वा होता है। ये थोड़ी इसकी जो क्वेश्चन साफ दिख रहे हो दिख नहीं रहे होंगे तो बता दीजिएगा, क्योंकि साफ मुझे भी नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट है, पेट्रिफिकेशन इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन ये किसके टाइप्स हैं? तो ये जो है जीवाश्म के टाइप होते हैं, पेट्रिफिकेशन इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन। पेट्रिफिकेशन में जो है वो सॉलिड हो जाता है पत्थर के फॉर्म में, और इम्प्रेशन जो है उसका निशान जो है वो रह जाता है पत्थरों पर या किसी भी चीज़ पे, और कंप्रेशन जो है वो दबाव से जो है फॉसिल्स बनते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सोमाइट्स आर फाउंड इन 33 आवर्स ओल्ड चिक एम्ब्रियो? तो 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट की संख्या कितनी होती है? तो 13 जो है सोमाइट्स पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है यानी उसकी ऑक्सीजन से की तुलना में जो है वो हीमोग्लोबिन से उसका लगाव ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो मनुष्य के लिए जो है हार्मफुल होती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ज़्यादा हो जाए तो उसे हम मर भी सकते हैं। तो विद हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट एंड नॉर एन यूकैरियोट? इनमें से कौन सा ना तो प्राकेंद्रिक है और ना ही सुकेंद्रक है? तो TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो ना तो प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोटिक होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं कथन। हाँ, क्रैंच एनाटॉमी जो है वो पाई जाती है C4 प्लांट्स की पत्तियों में। तो ये बिल्कुल सही है कि क्रैंच एनाटॉमी जो है वो C4 प्लांट्स की पत्तियों में ही पाई जाती है, C3 प्लांट्स में नहीं पाई जाती। तो सत्य कथन बताना था, ए जो है करेक्ट है इसका स्टेटमेंट, बिल्कुल C3 में नहीं पाई जाती, ये भी गलत हो जाएगा। और पत्ती की क्रांत आंतरिक संरचना के बारे में कुछ निश्चित नहीं है, ये गलत है क्योंकि वो C4 प्लांट्स में पाई जाती है। नेक्स्ट है, फुनेरिया के परिमुख दंत होते हैं यानी पेस्टोम टीथ जो है फुनेरिया में किस टाइप के होते हैं वो? तो ये जो होते हैं उसमें 32 पेस्टोम टीथ पाए जाते हैं, दो ऐसे राउंड्स में, और इनको जो है हम कहते हैं आर्थ्रोडोंटस टाइप के जो है टीथ पाए जाते हैं फिनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंसन नोड इज फॉर्म ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन ऑफ? तो हैंसन नोड जो है वो बर्ड्स के गैस्ट्रुलेशन के टाइम जो है ये बनता है, और इसको जो है विक्टर हैंसन ने खोजा था इन 1875 में। 1875 में विक्टर हैंसन में, तो उन्हीं के नाम पे जो ये हैंसन नोड पड़ा है, और जब एम्ब्रियो डिवाइड होता है उस समय ये पाया जाता है उसमें। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज़ अ वर्ल्ड फेमस पेलियोबॉटनिस्ट? तो इनमें से कौन सा विश्व प्रसिद्ध पुरा वनस्पति शास्त्री है? तो प्रोफेसर बीरबल साहनी जो कि हमारे इंडिया के हैं, ये सारे इंडिया के ही साइंटिस्ट हैं, और लेकिन इनमें से प्रोफेसर बीरबल साहनी जो है वो पेलियोबॉटनिस्ट है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट में इलेटर पाए जाते हैं? तो इलेटर जो है, जो हॉर्स टेल्स रहते हैं, जैसे इक्विसिटम है उसमें पाए जाते हैं इलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले का लूप जो है वो किस में पाया जाती है? तो हेनले लूप जो है वो किडनी में पाया जाती है, जो कि उनके नेफ्रॉन्स रहते हैं, तो नेफ्रॉन में जो है ये हेनले लूप पाया जाता है। नेक्स्ट है, मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है? तो गैम्बूशिया जो है वो यूनिवर्सली यूज़ की जाती है मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए। ये मलेरिया के जो लार्वा होते हैं उनको खा जाती है, जिससे कि वो मच्छर नहीं बन पाते और मलेरिया जो है वो कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल रहता है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है काम में लिया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग टेडपोल इज? तो मेंढक के टेडपोल लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जी उत्पाद जो पदार्थ है वो क्या होता है? वो अमोनिया होता है इसमें, क्योंकि ये जो है पानी में रहता है और ये अमोनिया एक्सक्रीट करता है, तो अमोनिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, टेडपोल का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो श्वसन गुणांक होता है वो 1 से कम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिस ऑफ लेमार्किज्म इज? लेमार्कवाद का आधार है, तो लेमार्कवाद का आधार जो है वो है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं किसी एक जनरेशन की, वो दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी उपार्जित लक्षण जो है वो वंशागत होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो जाते रहते हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है इसका बेसिस है लेमार्किज्म का। नेक्स्ट है, क्लोरोप्लास्ट की मैम्ब्रेन होती है, यानी हरित लवक की झिल्ली जो है वो डबल लेयर्ड होती है, द्विपरतीय होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इन मैन इज बोथ सेंसरी एंड मोटोर? तो इसमें से कौन सी कपाली तंत्रिका संवेदी और चालक दोनों होती है? तो त्रिधारा यानी ट्राइजेमिनल जो नर्व है जो कि दोनों होती है, मोटोर एंड सेंसरी। नेक्स्ट है, लाइकेन्स एक अच्छे सूचक होते हैं, तो ये जो सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, एयर पोल्यूशन, जिसे हम एयर पोल्यूशन में ही गिनेंगे, तो उसका अच्छा सूचक होता है लाइकेन्स। लाइकेन्स जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है वहाँ पे लाइकेन्स जो है वो ग्रो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं? तो स्पंज में जो है भोजन का संचय करती हैं थीसोसाइट्स। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें अलैंगिक प्रजनन जयमा या गीमा के द्वारा होता है? तो गीमा जो है वो मर्केंशिया में होता है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है इससे। नेक्स्ट है, वी शेप के क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं? तो वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें सेंट्रोमियर जो है वो बीच में रहता है, एंड वो इस तरह से जो है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की शेप जो है वो वी आकार की हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें मुख्यतः परिमुख दांत पाए जाते हैं, यानी पेरिस्टोम टीथ जो है वो मेनली किसमें पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन जो है पहले भी हमने देखा था, पर उसमें एग्जांपल दे रखा था, यहाँ पे मॉसेस, मॉसेस में जो है ये पाए जाते हैं पेरिस्टोम टीथ। नेक्स्ट है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या होता है? सूर्य होता है या सनलाइट होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। तो जो सूर्य की रोशनी है वही प्राथमिक सोर्स होता है एनर्जी का, क्योंकि इससे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं, और उससे जो है इकोसिस्टम में एनर्जी इस तरह से ट्रांसफ़र होती रहती है एक लेवल से दूसरे लेवल तक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक जलीय जाति है? तो हमें यहाँ पे एरिक्सिया की जो है डिफरेंट उसकी स्पीशीज़ दे रखी है, हमें बताना है इसमें से कौन सी एक्वेटिक है। तो रिक्शिया फ्लुएंटेंस जो है वो एक एक्वेटिक स्पीशीज़ है रिक्शिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु जिसमें एक सिरे पर गुच्छे में कशाम होते हैं कहलाते हैं, यानी टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। तो इस तरह से अगर बैक्टीरिया होगा तो यहाँ जो है एक साथ बहुत सारे जो है इसमें फ्लैजिला रहेंगे एक एक एंड पे, तो उसे हम लोफोट्राइकस कहते हैं। नेक्स्ट है, पॉइजनस फ्लूड
प्रेजेंट इन नीमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्राइज, तो हाइड्रा की दंत कोशिकाओं में मिलने वाला विषैला जो द्रव है उसे हम हाइपोटॉक्सिन कहते हैं। नेक्स्ट है, वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को कहते हैं, तो ट्रांसपीरेशन होता है वो वाष्पोत्सर्जन जो है उसे कहा जाता है। प्लांट के थ्रू जो है इस तरह से वाटर जो है वो लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइट रस्ट डिजीज जो है वो किसके द्वारा होता है, यानी सफ़ेद जंग जो है वो होता है एल्ब्यूगो जो है उसके थ्रू होता है वाइट रस्ट डिजीज़। नेक्स्ट है, मेंढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है तो ये जो है हाइपो बाई एपिबोली एंड एम्बोली दोनों के थ्रू जो है उसका गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है, यानी परिवृद्धि और अंतर्वृद्धि इन दोनों के थ्रू जो है बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा, के थ्रू जो है उनकी गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट होती है। अब हमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि खरगोश का गर्भकाल यानी गेस्टेशन पीरियड जो है वो 28 to 32 डेज रहता है खरगोश में गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका यानी कैप सेल्स बनती हैं किससे किस में बनती है, तो वो ओइडोगोनियम में बनती हैं कैप सेल्स जो हैं ओइडोगोनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, इनमें से किसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित है, यानी किसकी स्टेम जो है वो डिवाइडेड रहती है नोड्स एंड इंटर नोड्स में। पहला दे रखा हमको लाइकोपोडियम, देन फ्लैजेला। नेक्स्ट ऑप्शंस देख लेते हैं, एक मिनट, क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। इसके नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है इक्विसिटम। एंड डी है नन ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा इक्विसिटम, जिसमें जो स्टेम है वो नोड्स एंड इंटर नोड्स में डिवाइडेड रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।